चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर एमीटर रीडिंग विल बी रिस्पेक्टिवली, क्या होगी। देखो ये एलसीआर सर्किट है, अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट है, एमीटर लगा है सीरीज में और इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो इन दोनों की रीडिंग आपको बतानी। सबसे पहले एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल है। देखो एक्सएल एक्सी की वैल्यू इक्वल कब होती है, इन केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के केस में इक्वल होती है। तो VL और VC की वैल्यू भी इक्वल होती है उस केस में, बस फेज का डिफरेंस होता है, VL ऊपर होता है और VC क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो कितने का फेज डिफरेंस हो गया, 180 यानी पाई का फेज डिफरेंस हो गया। तो अगर XL XC के इक्वल है, रेजोनेंस का केस है, और VL VC के इक्वल है, इट मींस दोनों की वैल्यू VL और VC की वैल्यू इक्वल होगी और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज जीरो हो गया। अब करंट की बात करें, इसमें कौन सा ऑप्शन, ए में जीरो है वोल्टेज और डी में, आप देख लेते हैं करंट की वैल्यू। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन जेड। जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू आर के बराबर हो, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो चुका है। जेड जनरली क्या होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी जीरो होगा, एक्सएल इजकल टू एक्सी है, तो जेड इजकल टू आर के बराबर होगा और आर की वैल्यू कितनी है, 30 ओम। तो ये जेड इजकल टू 30 ओम अगर मैं यहां रख दूं, अप्लाइड वोल्टेज 220 डिवाइडेड बाई 30, जीरो जीरो कट गया, ये कितना आएगा, 240 है ना, सॉरी 220 हमने लिख दिया, 240 है, 240 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 8 एम्पियर करंट आएगी, 8 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।